हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ में हरे भरे कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। इस रेसिपी में हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया हुआ है और इसे सैलो फ्राई करके बनाया हुआ है और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करें, बिल्कुल ही स्किप ना करें। आइए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम पालक और मटर को ब्लांच करेंगे। इसके लिए हमने एक बर्तन में पानी गर्म करने रख दिया है। जब पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, लगभग आधी छोटी चम्मच। और इसके बाद हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। इसमें हमने एक कटोरी मटर का यूज़ किया हुआ है और इसे लगभग 15 से 20 सेकंड हम पका लेंगे। उसके बाद हम इसके साथ में ही पालक भी डाल देंगे। पालक को हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था और इसे हम लो फ्लेम पर एक मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल हल्की सी कुक होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर कुक हमें नहीं करना है। इस बोल में हमने फ्रिज का ठंडा पानी और थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े ऐड कर दिए हैं। गर्म पानी से निकाल कर मटर और पालक को हमें इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसे छन्नी से छान लेंगे। 3-4 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके लिए हमने 2 आलू पहले से ही उबाल कर छील कर रख लिए थे। इसे हम एक फॉर्क से मैश कर लेंगे ताकि इसमें एक भी गांठें ना रह जाएँ। इसमें गांठे नहीं रह जाएंगी तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा पालक और मटर के साथ में। पालक और मटर ठंडी हो चुकी है, उसके बाद हम इसमें 3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम एक ग्राइंडर जार में ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी हरी धनिया हमने धोकर ले ली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने काट कर ले लिया है। 4-5 हमने लहसुन की कली ले ली हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक बार में ये परफेक्टली ग्राइंड नहीं हुआ, इसको हम अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे और अब हम इसे उबले हुए आलूओं में मिक्स कर देंगे। पालक को हमें ठंडा करके पीस लेना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं, या आप अरारूट का भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा ब्रेड का क्रम्स हमने कर लिया था, यानी कि ब्रेड को पीस लिया था मिक्सर में, इसके बाद हम उसे भी यूज़ कर रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च को हमने कूट लिया है उसे ऐड कर देंगे। ये डो हमें थोड़ा सा गीला लग रहा था, इसलिए हमने इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और ऐड कर लिए हैं और थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर भी और ऐड कर लेंगे। चलिए, अब हमारा डो तैयार हो चुका है। इसे गार्निश करने के लिए हमने थोड़े से काजू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। हाथ में हल्का सा हमने तेल लगा लिया है, उसके बाद हम इसे गोल टिक्की जैसा शेप दे देंगे, या आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। और इसमें हम बीच में काजू लगा देंगे और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में ऊपर से कोट कर देंगे। इसी तरीके से है हमारे सारे हरे भरे कबाब तैयार हो चुके हैं। ब्रेड क्रम्स के लिए हमें ब्रेड को मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेना है और उसी को हमें इस रेसिपी में यूज़ करना है। 1 चम्मच रिफाइंड तेल हमने इस पैन में ऐड कर दिया है और सारे हरे भरे कबाब हमने इसमें ऐड कर दिए। जब 1 मिनट ये लो फ्लेम पर कुक हो जाए उसके बाद हमें थोड़ा सा तेल फिर से ऐड कर देना है और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है ताकि अच्छे से क्रंची हो जाए और अंदर से पक भी जाए। वैसे तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हुए हैं वो सारे पके हुए हैं ऑलरेडी, सबको हमने उबाल के यूज़ किया है, पर फिर भी हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। और दोनों तरफ से तेल लगाते हुए लीजिए, हमारे हरे भरे कबाब तैयार हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचते रहें। मेरे चैनल पर इसी तरीके की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।